हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसिप गाइड जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अप्रेंटिस भर्ती के बारे में जी हाँ दोस्तों अप्रेंटिस भर्ती निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जी हाँ हेवी व्हीकल फैक्ट्री यूनिट ऑफ आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है इसके द्वारा आई पास आउट कैंडिडेट और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसिप स्कीम है वो निकाली गई है जिसका अपलीकेशन फॉर्म है वो आठ छः दो हजार चौबीस से लेकर बाईस छः दो हजार चौबीस तक भरा जाएगा तो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इसमें अपना

पहुंचाता रहूँ तो दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सबसे पहले तो आपको उसका अप्लीकेशन फॉर्म हो देखने को मिलेगा हेवी व्हीकल फैक्ट्री यूनिट ऑफ हाउंड व्हीकल निगम लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे पहले आपको अप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग लिखा हुआ यहाँ पे अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करे हो नॉन आई टी आई के लिए करे हुए आईटीआई के लिए करे हुए उस पर आपको टिक मार्क लगाना है इसमें कैंडिडेट का नाम बनना है मदर्स नेम फिर फिलअप करना है यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है नॉन आईटीआई हो तो आप कौन से ट्रेड से यहाँ पे आईटीआई टी अप्रेंटिसिप आई आई करना चाहते हो फिटर मशीनिस्ट वेल्डर वो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको चूज करने है। आई टी आई ट्रेड है तो आपका कौन सा ट्रेड है वो आपको यहाँ पे टिक करना है आधार नंबर डालना है डी ओ डालनी है एज डालनी है अपना जेंडर डालना है कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी है टेंथ की डालनी है टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको आई टी आई की डालनी है कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है मोबाइल नंबर डालनी है ई मेल आई डी डालनी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट किया वो यहाँ पे डालने उसको टिक लगाना है डिक्लेरेशन नीचे सिग्नेचर करने अब नीचे एडवर्टाइजमेंट पे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो तो अंडर इसकी, अंडर स्किल स्किल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पेगी और नॉन आई टी आई कैंडिडेट को अप्रेंटिसिप के लिए बुलाया गया ट्रेनिंग है वो हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई में की जाएगी इसके लिए कैंडिडेट का अप्रेंटिसिप इंडिया पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जिन कैंडिडेट ने पहले से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रखा है उन कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करने की जरूरत है जिन कैंडिडेट ने जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, की पहले से हो है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है दो हजार चौबीस से भरना शुरू होगा और बाईस छह दो हजार चौबीस को चार बज के पैंतालीस मिनट तक आप भर सकते हो एज लिमिट है वो पंद्रह से चौबीस वर्ष यहाँ पे रखी गई है रखेगीव के चौबीस वर्ष है ओबीसी के सताइस पर एस सी एस टी की उनतीस गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉन आई टी कैंडिडेट और टेंथ पास आउट होना जरूरी है फिफ्टी मार्क्स के साथ यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है चालीस परसेंट मैथेमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट में होना जरूरी है आई पास आउट कैंडिडेट के लिए टेंथ पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें एनसी एस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ उसके बाद में वैकेंसीज की डिटेल देखें तो सबसे पहले नॉन आई टी कैंडिडेट में फिटर की बत्तीस वैकेंसी है मशीनिस्ट की छत्तीस वैकेंसी है वेल्डर की चौबीस वैकेंसी है टोटल बारह पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई जिसमें अनरिजर्व की छियालीस है ओबीसी की छब्बीस है एस की उन्नीस है एस की एक है फिजिकल सेवन प्रश्न के तीन है फिर आई टी आई ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन अड़ती की अड़तीस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की दस है फिटर की पैंतालीस है की तैयारीस है पेंटर की पाँच है वेल्डर की बीस विकेट्स यहां पे निकाली गई है इस प्रकार से टोटल ये इसकी एक सौ इकसठ पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें के, 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 के हाउ हाँ टू अप्लाई तो सबसे पहले कैंडिडेट को उसका अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि आपको तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें आपको अच्छी तरीके से जो कैपिटल लेटर्स जानकारी है वो आपको

नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो नॉन आई टी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन टेंथ के मार्क्स के आधार पे किया जाएगा जो आई टी आई पास आउट कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन है टेंथ प्लस जो आई टी आई के मार्क्स से दोनों को समान वेटेज देती हुई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोनों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे अलग अलग है वो तैयार की जाएगी एक साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग को रखा जाएगा उसके बाद में स्टाइपेंड की अपने यहाँ पे बात करें तो स्टाइप है नॉन आई टी कैंडिडेट को यहाँ पे पांच हजार से छह हजार रुपए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यहाँ पचपन सौ से छियाठ सौ रुपए मिलेंगे आई को फर्स्ट ईयर सतर सौ रुपए और सेकंड ईयर आठ हजार पचास रुपए है यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जाएगा एक साल की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे जो आई कैंडिडेट है और जो नॉन आई आई कैंडिडेट है उनकी बेसिक ट्रेनिंग प्लस यहाँ पे ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी उसके बाद कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे किया जाएगा टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो वो यहाँ पे सारी दे रखी है उसके बाद कैंडिडेट को अपना ऑफर है वो एक्सेप्ट करना है उसका कांटेक्ट जनरेट किया जाएगा अप्लीकेशन फी है वो अंड इधर ओबीसी के लिए यहाँ पे सौ रुपए नॉन रिफंडेबल फी रखेगी इसके अलावा अदर कैटेगरी के, के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे फी एक्टेड रखी गई मेडिकल फिटनेस यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे जानकारी हेल्प डेस्क आपको नीचे दिया हुआ आप इनपे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जनरल कंडीशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए वी एन एल डॉट को डॉट इन के ऊपर आप जाके और इसकी सारी जानकारी है वो यहाँ पे ज्यादा प्राप्त कर सकते हो दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी तो मैंने आप लोगों को बता दी है और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आईटीआई टी और नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए आधार कार्ड एस एस सी की मार्कशीट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूलिंग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट करना है अब जो आई पास आउट के कैंडिडेट है उनको आई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो करना है, NCVT, का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट को इसके साथ अटैच करना जरूरी यही नोटिफिकेशन आपको नीचे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा हिंदी में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जिनकी इंग्लिश में कोई समस्या आ रही हो वो हिंदी में यहाँ पे चेक कर सकता है सारी जानकारी आपको हिंदी में भी यहाँ पे दी हुई तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना धन्यवाद